इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स। हम जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ ही साथ हम मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं आपको आज मैट्रिक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट अकेडमी में। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स से। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, मैट्रिक्स का मतलब होता है मैट्रिक्स वास्तविक संख्याओं का रो और स्तंभ में सजा एक आयताकार सजावट है, जहां आयताकार सजावट में पंक्ति यानी रो को एम तथा स्तंभ यानी कॉलम को एन के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, जरा इंग्लिश में समझते हैं कि मैट्रिक्स आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, कहा गया मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इन रो एंड कॉलम्स वेयर रो डिनोट एज एम एंड कॉलम डिनोट एज एन। समझ में तो नहीं आया होगा, चलिए आइए डिटेल्ड में अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, मैट्रिक्स का सिंबल होता है ये बॉक्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस तरीके के शेप में आयत होता है ना जी, ये आयताकार शेप में होता है। यहाँ से ये सब पोर्शन गायब कर दीजिएगा, ये मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है। सिंबल याद रखिएगा, मैट्रिक्स को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपको रियल नंबर होता क्या है, आखिरकार रियल नंबर कहते किसे हैं। तो जीरो से लेकर के नाइन तक के बीच जो भी नंबर आते हैं ना, उन नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो अगर कभी भी किसी भी आयताकार बॉक्स के अंदर किसी रियल नंबर को रो और कॉलम में लिखा जाए, तो वही रो और कॉलम का ये जो बॉक्स होगा मेरे लिए मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, और इसके अंदर मैंने अपने मन से एक नंबर डाल दिया है, रियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये जो 1, 2, 3 है, ये सीधा सीधा ये मेरा है पहला रो। ठीक है, 4, 5, 6 ये मेरे लिए है दूसरा रो, और ये 7, 8, 9 ये मेरे लिए है तीसरा रो। ठीक है, कॉलम होता है ऊपर से नीचे, ये मेरा है कॉलम 1, ये मेरा है कॉलम 2 और ये मेरा है कॉलम 3। ठीक है, तो जब कभी भी किसी बॉक्स के अंदर रियल नंबर को रो और कॉलम के शेप में लिखा जाता है, तो यही रो और कॉलम का जो बॉक्स होगा वही मेरे लिए क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आखिरकार टोटल कितना रो और कितना कॉलम है यहाँ टोटल, तो देख सकते हैं यहाँ टोटल रो है 3 और जबकि कॉलम कितना है यहाँ पे 3। बुक क्या किया है, रो को एम के नाम से डिनोट किया है, और ये जो कॉलम है कॉलम को एन से नाम से डिनोट किया है। यानी बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 रो है, और जबकि मैट्रिक्स कितना है यहाँ टोटल 3 मैट्रिक्स है। क्लियर है, आ गई आपको बात समझ में मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। मैट्रिक्स का टाइप जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स का टाइप्स आपको जानना होगा, आप मैट्रिक्स के टाइप्स को समझिएगा, इसके बाद ही आपको पूरा मैट्रिक्स समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला, ऐसे तो मैट्रिक्स 12 या 13 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं आपको टोटल 9 टाइप्स के VBI मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जो आपको आपके बुक में मिल जाएंगे। सबसे पहला मैट्रिक्स है आयताकार मैट्रिक्स, जिसको बोला गया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आखिरकार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो देखिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां रो और कॉलम बराबर ना हो, अर्थात एम यानी रो इज इक्वल टू नॉट एन, यानी रो कॉलम के बराबर नहीं है। जैसे देखिए, आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने अपने मन से लिया। ठीक है, रो और कॉलम बराबर नहीं है, यहाँ पे टोटल जो रो है मेरा, ये पहला रो है और ये मेरे लिए है रो 2, और जबकि कॉलम कितना है, ये मेरे लिए है पहला कॉलम, ये मेरे लिए है दूसरा कॉलम, ये मेरे लिए है तीसरा कॉलम और ये मेरे लिए है चौथा कॉलम। ठीक है, तो आखिरकार यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे रो टोटल कितने हैं, 2 रो हैं, जबकि यहाँ पे कॉलम कितने हैं, टोटल कॉलम है यहाँ पे 4। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और चूंकि ये आयतकार के शेप में होता है ना,
दूसरा मैट्रिक्स आता है वर्ग मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां रो और कॉलम्स की संख्या बराबर होती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। अर्थात रो इज इक्वल टू कॉलम, यानी सिंपल बात है, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां रो और कॉलम क्या होगा, बराबर होगा, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आइए आपको एग्जांपल के लिए समझाते हैं, रो और कॉलम बराबर हो। तो देखिए, आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैंने यहाँ एक बॉक्स खींच दिया और यहाँ सपोज कीजिए है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना रो हुआ, ये हुआ रो 1 और ये हुआ मेरा रो 2, ठीक है। जबकि कॉलम कितना है, ये मेरे लिए है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। तो आखिरकार यहाँ टोटल कितने रो और कितने कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम। तो जितने रो होने चाहिए उतने ही कॉलम, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो कौन सा मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ समझाने के लिए मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 समझाने के लिए मैंने लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ, ये है मेरे लिए रो 1, यह है मेरे लिए रो 2 और यह है मेरे लिए रो 3। कॉलम कितना है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो यहाँ पे मेरा टोटल रो कितना है, 3, और टोटल कॉलम कितना है मेरे लिए, 3। तो जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो ऐसे मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा मैट्रिक्स होता है क्षैतिज मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है? तो देखो, एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ कॉलम्स की संख्या रो की संख्या से अधिक होती है, क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाती है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जहां कॉलम की संख्या रो से अधिक हो, जहां कॉलम अधिक होगा और रो क्या होगा, कम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। देखो, यहां सपोज कर लीजिए, ये है मेरे लिए 2, 6, 0, ठीक है, 2, 4, 9 सपोज कर लो, ये है मेरा। तो यहाँ पे टोटल कॉलम कितना है, ये हो गया रो कितना है, ये हो गया मेरा रो 1 और ये हो गया मेरा रो 2। और जबकि कॉलम कितना है, ये मेरे लिए हो गया कॉलम 1, ये मेरे लिए हो गया कॉलम 2 और ये मेरे लिए हो गया कॉलम 3। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रो कितना है टोटल, यहाँ रो है 2 और जबकि मेरा कॉलम कितना है, कॉलम है यहाँ पे 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जहाँ कॉलम अधिक और रो कम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है फोर्थ नंबर पे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है, वो है जिसे कहा गया है ऊर्ध्वाधर या उदग्र मैट्रिक्स, जिसको कहा जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के ठीक उल्टा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स जहां रो की संख्या कॉलम्स की संख्या से अधिक होती है, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहलाती है। यानी ऐसा कॉलम जहां क्या ज़्यादा होना चाहिए, रो अधिक होना चाहिए और कॉलम कम। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं। सपोज कर लीजिए, मैं यहां एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है। यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहां टोटल रो कितना होगा, ये मेरे लिए हो गया रो 1, ये मेरे लिए हो गया रो 2 और ये मेरे लिए हो गया रो 3। और जबकि कॉलम कितना है, ये मेरे लिए हो गया कॉलम 1 और ये मेरे लिए हो गया कॉलम 2। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टोटल जो मेरा रो है, वो मेरा रो कितना है, टोटल मेरा रो है 3 और जबकि कॉलम कितना है, कॉलम है मेरे लिए 2, ठीक है, कॉलम है मेरे लिए 2। तो जहाँ रो अधिक और कॉलम कम होता है, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। आगे आता है पंक्ति मैट्रिक्स, जिसे कहा गया है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल बात है, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए पंक्ति मैट्रिक्स क्या, रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल रो हो, कोई कॉलम ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। 1, 2, 3 यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। कितना रो है, सिर्फ एक रो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। सिक्स नंबर पे आते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको कहा गया है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है?
वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कोई रो ना हो, सिर्फ और सिर्फ कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बताता हूँ। सपोज कर लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये कितना कॉलम है, एक कॉलम है, कितना कॉलम है, एक कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। आगे शून्य, शून्य या रिक्त मैट्रिक्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जीरो या नल मैट्रिक्स। क्या होता है नल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी संख्या जीरो हो या शून्य हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर का सारा नंबर ना जीरो होगा, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। जैसे देखो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 0 0 0, ये मेरे लिए है नल मैट्रिक्स। या एक और मैट्रिक्स समझाता हूँ मैं आपको, 3 रो 3 कॉलम का 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स, सारे जो नंबर्स हैं वो जीरो होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग, नेक्स्ट आता है हम लोगों का नेक्स्ट आता है हम लोगों का अदिश मैट्रिक्स जिसको कहा गया है स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है इसको एकदम अच्छा से समझिएगा, आखिरकार इस मैट्रिक्स को हम कहते क्या हैं। तो देखिए वह वर्ग मैट्रिक्स यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अव्यय बराबर हों तथा अन्य सभी शून्य हो, अदिश मैट्रिक्स कहलाते हैं। नहीं आया ना समझ में, देखो बताता हूँ। सपोज कर लो यहाँ एग्जाम्पल में मैं आपको अभी एक मैट्रिक्स बताता हूँ, पेन चल नहीं रहा है, ये मैट्रिक्स है ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 5 है, 0 है, 0 है, यहाँ भी 0 है, 5 है, 0 है, 0 है, 0 है, 5 है ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स ना जिस मैट्रिक्स का विकर्ण, विकर्ण मतलब होता है ये तिरछा, ये विकर्ण क्या हो, बराबर हो, एक ही हो। देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अव्यय बराबर हो, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, और इसके अलावे जो बाकी एलिमेंट्स बचा है वो सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, शून्य। देखिए 5 के अलावे बाकी सब एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। आगे लास्ट मैट्रिक्स है जिसको कहा गया है एकांक मैट्रिक्स या कहा गया है तत्समक मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बुक में मिलेगा ये। क्या कहा गया है जी, वह वर्ग मैट्रिक्स यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अव्यय इकाई यानी 1 हो तथा अन्य सभी अव्यय शून्य हो, तो ऐसे इकाई, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग इन एकांक मैट्रिक्स कहते हैं। देखो यहाँ क्या होगा, एक ही होगा। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ एग्जाम्पल में, यहाँ आपको समझाने के लिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। यहाँ 1 है, 0 है, 0, यहाँ 0 है, 1 है, 0, 0 है, 0 है, 1। विकर्ण, ये जो तिरछा आया है ये विकर्ण जो है ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इसके बाद जो भी एलिमेंट्स बचा है वो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों में फ़र्क समझिए, ऊपर जो मैट्रिक्स है अदिश मैट्रिक्स, यहाँ 1 नहीं है, कोई भी डिजिट रहेगा इक्वल रहेगा, 1 नहीं रहेगा, लेकिन जो यूनिट मैट्रिक्स है वहाँ ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर है, ठीक है। तो नो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब मैं आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को बताता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चंस आपको बुक्स में पूछा गया है, बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आइए न्यूमेरिकल्स बताते हैं। सपोज कर लो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ ये कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स उतारे हैं ठीक है। इफ़ मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है जिसको नाम दे दिए ए, मैट्रिक्स में क्या है, रो में क्या है, 2, 4, 6, 3, 5, 7, और एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम है बी, यहाँ है 5, 6, 7, 7, 8, 9। तो फाइंड करने क्या बोला, तो बोला देन फाइंड आउट ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, यानी जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। देखिए मैट्रिक्स में जोड़ घटाओ गुना यही टाइप्स के मैट्रिक्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इन्वर्स मैट्रिक्स ठीक है।
तो सबसे पहले ये दो मैट्रिक्स है, निकालने क्या कहा गया है, ए प्लस बी इज इक्वल टू वाट। तो ए प्लस बी बोला है तो करेंगे कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। और यहाँ एक बार दोनों मैट्रिक्स को लिख देते हैं। चलो आओ पहले मैट्रिक्स वन लिखते हैं, टू फोर सिक्स थ्री फाइव सेवन, प्लस करना है ना, प्लस मैट्रिक्स बी लिखते हैं, फाइव सिक्स सेवन सेवन एट, और ये हो गया मेरा नाइन। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है ना, तो आओ दोनों मैट्रिक्स को अब जोड़ देते हैं। और याद रखें जब जोड़ेंगे तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या है टू है, और यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या है फाइव, तो टू और फाइव को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब टू और फाइव को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सेवन। वैसे यहाँ सेकेंड टर्म में क्या है, यहाँ पे फोर और यहाँ क्या है सिक्स, फोर और सिक्स को जोड़ेंगे तो हो जाएगा टेन। यहाँ क्या है, ये सिक्स है और यहाँ सेवन, सिक्स और सेवन को जोड़ेंगे छः छः बारह और एक तेरह। उसी तरह से नीचे आएंगे थ्री और किसको जोड़ेंगे सेवन को। ठीक है, जब थ्री और सेवन को जोड़ेंगे तो टेन, पाँच और आठ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तेरह। उसी तरह से सात और नौ को जोड़ेंगे तो हो गया सोलह। ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा हो गया आंसर। क्लियर है, देखिए कितना सिंपल है मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ एक मैट्रिक्स है वन टू थ्री टू वन टू, एक और मैट्रिक्स है बी टू जीरो सिक्स टू वन थ्री, और सी है जीरो टू वन थ्री थ्री जीरो। निकालने क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, यानी तीनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो आओ बनाते हैं। ठीक है, तो निकालने बोला गया ए प्लस बी प्लस सी, तो आइए एक बार तीनों मैट्रिक्स को लिख देते हैं। पहला मैट्रिक्स है वन टू थ्री टू वन टू, प्लस दूसरा मैट्रिक्स क्या है जी टू जीरो सिक्स टू वन थ्री, प्लस सी मैट्रिक्स क्या है जीरो टू वन थ्री थ्री जीरो। अब एक बार सारे मैट्रिक्स को जोड़ना है। ठीक है, और जोड़ने का तरीका वही है पहला से पहला, तो तीनों को जोड़ो, ये एक ये दो और ये जीरो, पहला टर्म जुटेगा तो दो और एक तीन, और जो जीरो जोड़ेंगे तो तीन ही होगा, दो प्लस जीरो प्लस दो चार, तीन प्लस छः प्लस एक, तीन और छः नौ और एक दस, दो प्लस दो प्लस तीन, दो दो चार और तीन सात, एक और एक दो और तीन पाँच, दो और तीन पाँच और जीरो पाँच, ये मेरा हो गया आंसर। क्लियर, यहाँ एक और मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स है ए बी है और सी, करने क्या बोला है ए प्लस बी माइनस सी, ये किस तरह से बनेगा, तो पहले जो निकालना है पहले वो लिख लेते हैं। निकालने बोला है ए प्लस बी माइनस सी, तो चलो आओ सब मैट्रिक्स का पहले वैल्यू पुट करते हैं। मैट्रिक्स वन में है फाइव सिक्स टू नाइन फोर वन, प्लस है प्लस लिखते हैं, बी बोला गया है ना, मैट्रिक्स बी लिखते हैं टू टू फोर वन वन जीरो। अब माइनस बोला है सी, तो माइनस लिख के लिखते हैं सी, सी में है टू थ्री जीरो जीरो फाइव थ्री। ठीक है, तो अब पहले क्या करेंगे, बोडमास का रूल में सबसे पहले प्लस आता है ना, तो ए और बी को पहले प्लस करेंगे, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को पहले प्लस करते हैं। तो आओ प्लस करते हैं, तो पाँच और दो को जोड़ेंगे तो सात होगा, छः और दो को जोड़ेंगे तो आठ होगा, दो और चार को जोड़ेंगे तो छः होगा, नौ और एक को जोड़ेंगे तो दस, चार और एक को जोड़ेंगे तो पाँच, एक और जीरो को जोड़ेंगे तो एक। फिर माइनस करना है, फिर माइनस लिख के जिसको माइनस करना है उसको वैल्यू लिखते हैं टू थ्री जीरो जीरो फाइव थ्री। क्लियर है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, तो सात में से दो घटाएंगे, सात में से दो घटाएंगे तो पाँच आएगा, आठ में से तीन घटाएंगे तो पाँच आएगा, छः में से जीरो घटाएंगे तो छः आएगा, दस में से जीरो घटाएंगे तो दस आएगा, पाँच में से पाँच घटाएंगे तो जीरो आएगा, एक में से तीन घटाएंगे तो माफ़ कीजिएगा, हाँ एक में से तीन घटाएंगे तो ये कितना होगा माइनस दो होगा, ये मेरा हो गया है यहाँ आंसर। क्लियर है, आया समझ में, इसी तरीके से मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस जानते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू टू सिक्स टू फोर, एक और मैट्रिक्स है बी टू थ्री टू फाइव, तो निकालने क्या बोला, बोला है टू ए प्लस थ्री बी। अब बोला है निकालने टू ए प्लस थ्री बी,
अच्छा यहाँ ध्यान देने वाला बात है, 2a बोला है तो 2a का मतलब क्या है? 2a का मतलब है 2 इंटू ए। उसी तरह से अगर 3b बोला है तो 3b का मतलब है 3 इंटू बी। क्लियर है? यानी ये जो 2a बोला है, a का मतलब तो मैट्रिक्स है ना, यानी मैट्रिक्स a को इंटू करेंगे 2 से, मैट्रिक्स b को इंटू करेंगे 3 से, और दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो चलिए आइए जो निकालने बोला पहले वो लिखते हैं। निकालने बोला है 2a प्लस 3b, ठीक है? तो आइए लिखते हैं पहले यहाँ 2 इंटू मैट्रिक्स ए का वैल्यू पुट करते हैं। मैट्रिक्स ए में क्या है जी? 2 6 2 4, फिर प्लस है, प्लस करते हैं 3 इंटू मैट्रिक्स बी, तो 3 इंटू मैट्रिक्स बी लिखते हैं, 2 3 2, और ये हो गया 5। अब इंटू करो 2 से, इस पूरे मैट्रिक्स को इंटू कर देना। तो आइए 2 से पूरे मैट्रिक्स को इंटू करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। प्लस करेंगे मैट्रिक्स बी को, मैट्रिक्स बी में क्या है? 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 6 और 4 और 6 को जोड़ देंगे, 10 आएगा, 12 और 9 को जोड़ेंगे, 21 होगा, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 होगा, 8 और 15 को जोड़ेंगे 15, 8 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 23। ये मेरा हो गया आंसर। आया समझ में? ठीक, चलिए आगे लास्ट आज का क्वेश्चंस। यहाँ बोला गया है, ए में बोला गया है एक मैट्रिक्स है 5 4 3 -1, सी में है -3 2 1 0। निकालने क्या बोला? निकालने बोला है 3a-4c। तो चलिए जो निकालने बोला है पहले वो लिखते हैं। निकालने कहा गया है 3a-4c, तो 3a का मतलब है 3 इंटू ए, तो 3 इंटू ए का वैल्यू पुट करो। मैट्रिक्स ए में क्या है? 5 4 3 -1 -4c, इसका मतलब है 4 इंटू सी। सी में क्या है जी? -3 2 1, और ये हो गया 0। क्लियर? अब 3 से इस पूरे मैट्रिक्स को इंटू कर दो। चलो आओ 3 से पूरे को इंटू करते हैं, तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, माइनस है, माइनस दिए, 3 एकन 3, फिर ये माइनस है, माइनस, इस पूरे मैट्रिक्स को इंटू करो 4 से, तो 4 तिया 12, 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 0 0, हो गया। अब चलो माइनस करते हैं, तो 15 है, ध्यान देना 15 है, फिर माइनस माइनस 12, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 15 है और 15, अब माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया है, देखो इस तरह से 15 है, फिर ये माइनस माइनस डाले, फिर ये माइनस 12 है, तो यहाँ लिखते हैं माइनस 12, तो ये 15 है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 12, तो अब ये घटने के जगह जुड़ जाएगा, और जुड़ के ये कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ मेरा पहला मैट्रिक्स हो गया 27। अब ये 12 -8, तो 12 - 8 करेंगे 4, 9 - 4 तो 5, -3 - 0 तो ये हो गया -3। ये मेरा हो गया आंसर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो आज हम लोगों ने मैट्रिक्स का मीनिंग सीखा, टाइप्स का सीखा, और कुछ कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का रूल बताऊंगा, इसके बाद एक और वीडियो में आपको इन्वर्स मैट्रिक्स बताऊंगा, इसके बाद मैट्रिक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी।